फिजिकल अपर्चर, देखिए एक डिफरेंट टाइप का अपर्चर होता है जो हमें लास्ट टाइम किए हैं उनसे डिफरेंट, जो होता है फिजिकल अपर्चर। ये क्या होता है? एक्चुअल फिजिकल साइज यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एंटीना, इससे रिलेटेड होता है। इसको ए पी से डिनोट किया जाता है, फिजिकल अपर्चर, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है एंटीना में, लार्ज फिजिकल साइज में, क्रॉस सेक्शन में। जो जिसको हम अगर देखें तो इसकी जो टर्म है, इसको हम जैसे हॉर्न, जो वेवलेंथ होती है जैसे हॉर्न की, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स की, और मैटर्स मल्टी एलिमेंट्स की, एक्सट्रैक्टर की, इनकी फॉर्म में इसे देखा जाता है। तो कुछ जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीना होते हैं जो कि जिसमें फिजिकल अपर्चर होता है, इसके अलावा इफेक्टिव अपर्चर जो कि हमने लास्ट टॉपिक्स में किए थे, इफेक्टिव अपर्चर भी एक प्रॉपर्टी होती है एंटीना की। लेकिन जो फिजिकल अपर्चर है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो फिजिकल क्रॉस सेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, किसके साथ? एंटीना के साथ, जो कि सेट होगा मैक्सिमम रिस्पॉन्स पे। तो जो क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि हम या फिर कहें वेवलेंथ कहें, इन वेवलेंथ या फिर इन लार्ज क्रॉस सेक्शन, दोनों ही बोल सकते हैं, वेवलेंथ में और क्रॉस सेक्शन में, एंटीना जो होगा लाइक जैसे कि हॉर्न्स का, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स का, और मैटर्स मल्टी एलिमेंट का, जो फिजिकल अपर्चर है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है इफेक्टिव अपर्चर की एफिशिएंसी के कंपैरिजन में। जिसमें जो एंटीना है, जैसे कि अगर शॉर्ट डाइपोल की एंटीना की बात करें, शॉर्ट डाइपोल की एंटीना, तो इसमें जो फिजिकल अपर्चर लेस होता है इफेक्टिव अपर्चर के कंपैरिजन में, वैसे इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। जो वैल्यू होती है इफेक्टिव अपर्चर की वो क्या होगी, अगर हम हॉर्न एंटीना की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो इफेक्टिव अपर्चर होता है वो 50% होता है फिजिकल अपर्चर का। और अगर इसके अलावा हम बात करें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की वो 50% से 65% होती है। और इसके अलावा अगर मैट्रिस जो मल्टी एलिमेंट होते हैं, इस टाइप के एंटीना होते हैं, वो 10% होते हैं। तो ये जो होता है, अगर बात करें आइडियल साइज के बारे में, ठीक है, आइडियल साइज जिसमें कोई भी थर्मल लॉस नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो फील्ड है एक फेस में होगी फिजिकल अपर्चर और इफेक्टिव अपर्चर की। मतलब उस टाइम में फिजिकल अपर्चर इक्वल होगा इफेक्टिव अपर्चर के, किसमें? ये जो कंडीशन होती है मैक्सिमम डायरेक्टिविटी की, और वो अचीव हो जाती है। तो उस कंडीशन में एपी यानी कि फिजिकल अपर्चर इज इक्वल टू होगा इफेक्टिव अपर्चर के एई के, जिसमें कोई भी लॉस नहीं है। और जो भी डायरेक्टिविटी डी होती है और जो इफेक्टिव अपर्चर होता है एई, वो रिलेटेड होते हैं। तो जो डायरेक्टिविटी डी होगी वो इज इक्वल टू होगी 4 pi अपॉन लैम्डा स्क्वायर के डॉट एपी। तो डी मैक्सिमम डायरेक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, 4 pi अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट एपी के। और जो रेशियो होती है इफेक्टिव अपर्चर की टू द फिजिकल अपर्चर, वो एब्जॉर्प्शन रेशियो होती है, उसे गामा से डिनोट किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन रेशियो गामा होगी, जो इज इक्वल टू होगी मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर अपॉन फिजिकल अपर्चर, और यही फिजिकल अपर्चर को रिप्रेजेंट करता है। और जो वैल्यू होती है गामा की वो 0 से ∞ के बीच में लाए करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।